अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीरीन हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल डेज एंड नाइट्स ऑफ इस्लामाबाद। आज मैं एक बड़ी ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सुनने में लगता है कि मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। बस आप एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप सही से बना सकते हैं। सूजी का हलवा। सूजी का हलवा एक ट्रेडिशनल मीठे में आता है और किसी भी खुशी के मौके पे आप इसको नियाज के तौर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू खीर। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से मैंने अपनी अम्मी को हमेशा बनाते हुए देखा है, और मैंने दुपट्टा भी इसीलिए लिया हुआ है। एक तो किचन के एथिक्स होते हैं कुछ के सर आपका ढका होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं नियाज के लिए बना रही हूँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में, तो इसलिए फिर मैंने सर को कवर किया हुआ है। एनीवेज द थिंग इज़ के ये चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है, तो मैं सबसे पहले आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी और उसके बाद फिर इसका तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। तो कीप वॉचिंग। ये सूजी है और इसको मैंने थोड़े से ऑयल में डाल के, कढ़ाई में डाल के, तो थोड़ा ब्राउन करने के लिए, थोड़ा भूनने के लिए इसको ज़रा मीडियम फ्लेम के ऊपर रख लिया है। और सूजी की क्वांटिटी आपने जितनी भी लेनी हो, मेरी हाफ के जी है, आपने जितनी भी लेनी हो उसके इक्वल क्वांटिटी में आपने शुगर लेनी है। और बस बाकी इसके अलावा आप इसमें किशमिश और बादाम, मैंने सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट ही डालने हैं, या थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर भी डालूँगी। तो बस ये चीज़ें हैं टोटल जिनसे आपने हलवा बनाना है। और जो शुगर है, जो इक्वल क्वांटिटी की ली थी हमने, उससे सूजी से इक्वल क्वांटिटी की ली थी, उसको हमने पानी में डाल के, तो उससे तीन गुना ज़्यादा पानी डाल देना है, यानी अगर एक डिब्बा शुगर का था तो आपने तीन डिब्बे पानी के डाल देने। तो इसको भी पकने के लिए रख दें लो फ्लेम पे, इसमें दो तीन इलायचियाँ भी डाल दें, उससे सिर्फ फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू अच्छी आ जाएगी। और दूसरी तरफ आप सूजी को थोड़ा सा ब्राउन कर लें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और सफ़ेद सा भी नहीं छोड़ना। ये सूजी जो है ये थोड़ी सी ब्राउन करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी जानी चाहिए डार्क, और बहुत ज़्यादा लाइट वाइट सा भी नहीं रहना चाहिए एज आई टोल्ड अर्लियर। बट ये है कि अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसको थोड़ा हिलाते रहना है। इसका ये है कि अगर थोड़ी सी भी नीचे लग जाएगी ना, जब ये भुननी शुरू हो जाएगी तो थोड़ी सी भी नीचे लग जाएगी तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगी और ऊपर वाली सफ़ेद रह जाएगी, तो वो मतलब अच्छा मिक्सचर नहीं बनेगा। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्टेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इसको जब ये थोड़ी सी हीटअप हो जाए तो इसको कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहें। जो सूजी है उसका कलर चेंज हो चुका हुआ है, एंड वो जो पानी रखा था चीनी डाल के वो भी पकना शुरू हो गया हुआ है। तो अब हम इस चीनी वाले पानी को इसमें डालेंगे और मेक श्योर करेंगे कोई लंप ना बने, और अगर तो सूजी अच्छे से भुनी हुई हो तो लंप्स बनते भी नहीं हैं, बट स्टिल इसको अच्छे से हिलाना है क्योंकि लंप्स नहीं बनने चाहिए। और जब हम ये गर्म पानी इसमें डालेंगे तो इट्स स्प्लैशेज आउट, तो बी केयरफुल कि आपके ऊपर इसके छींटे ना आए। तो वेरी वेरी बेस्ट। तो जो भी जितना भी आपने सूजी ली थी उससे एटलीस्ट आपका जो पैन है वो थ्री टाइम्स बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सूजी थोड़ी फूलती है, तो इसलिए फिर जब पानी डलेगा तो वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको आपने बड़े पैन में रखना है। तो पैन मेरा ऑलरेडी बड़ा था, सो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि इस तरह पकने के बाद, अब आपने फिर उसी कंसिस्टेंसी, जब पानी अच्छे से थोड़ा सा इसमें मिक्स हो जाए तो कंसिस्टेंसी आपने जैसी रखनी हो, थिन थिक जैसी रखनी हो, वो फिर आपने अपने हिसाब से सो कर देना। तो आई विल शो यू एट द एंड के हाउ इट टर्न्स आउट। तो ये हलवा हो गया है रेडी और आप इसकी लुक देख सकते हैं, एंड इसकी कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए इट्स लाइक दिस। तो ये मुझे हार्डली 20 से 25 मिनट लगे हैं टोटल हलवा रेडी करने में। तो ये एक जल्दी बन जाने वाली डिश है, सो आप भी बनाएं और किसी भी मौके पे आप बना सकते हैं, और जिनको मीठा पसंद है उनके लिए तो एक बड़ी ट्रीट है।
सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.